तो भाई लोग फिसा गेम एक और GTA 5 एक्सपेंडेड एंड एनहेंस की गेम प्ले वीडियो में, और अभी मेरे साथ हो रखी है गड़बड़ क्योंकि अब जो मैं तुम्हारे से बोलने वाला हूँ वो तुम कहोगे कि तेरे साथ हर महीने ही हुआ रहता है, लेकिन मैं क्या करूँ भाई जब मेरी ज़िंदगी में इतना दुख कष्ट समस्या पीड़ा है। तो भाई हुआ क्या कि मैं वीडियो बनाया था यही वाली, और मेरा माइक जो है डिटेक्ट नहीं हुआ OBS स्टूडियो के अंदर, और आवाज़ मेरी हो गई गायब। जब मैं एडिटिंग करने बैठा, जब मुझे पता लगा कि ये तो साइलेंट फिल्म है, आवाज़ ही नहीं है इसके अंदर, तो मैं वापस से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इसलिए अब जो तुम फेस कैम में मेरी थूथ देखने वाले हो उससे मेरी लिपसिंग मैच नहीं होने वाली, तो उसे थोड़ा सा चला लेना। अब तुम कहोगे कि भाई जब तेरा PC इतना ही बेकार है तो तू उसे ठाके फेंक क्यों देता। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी बहुत इच्छा है ठाके फेंकने की, और उसके सिर में फेंकने की है जिसने दिया है। ठीक है कि उसने बहुत गंदा वाला बेवकूफ़ बनाया मेरा, लेकिन क्या करूँ यार, अगर इसे फेंक दूंगा तो मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, पैसे नहीं है मेरे पास दूसरा PC खरीदने के। तो अगर मैं किसी के सिर फेंक के मारूंगा तो जब फेंक के मारूंगा जब मेरे पास ऑप्शन हो, जब मैं खरीद सकूँ दूसरा PC, जो कि मेरे पास अभी है नहीं, तो क्या कर सकते हैं यार, सैड लाइफ चलानी पड़ेगी है ना। ठीक है तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। खैर बात के पिछले वाली वीडियो की, तो भाई पिछले वाली वीडियो में हमने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली थी और ट्रेसी अमेंडा अपने घर से भाग गई थी। अब हमें नहीं पता कहाँ गई, क्या हुआ उनका, आगे कोई सीन आने वाला है उनका वीडियो में या नहीं, या फिर क्या होने वाला, कुछ नहीं पता हमें। बस हमें यह पता है कि वो घर से भाग गई थी और हमने जो है अपनी जॉब ज्वाइन कर ली थी, और एजेंट 47 ने हमारे से रोज़ नई बाइक लाने के लिए भी कहा था। तो हमने फिर सिमियन से बात करी, उसने हमें 3 गुना प्राइस पर बाइक देने का तो ऑफर दे दिया, लेकिन उसने कहा था कि आज के दिन मत जाना अपनी जॉब पे, कल से तुम्हें मिल जाएंगी डेली एक नई बाइक कार जो भी है नया व्हीकल मिल जाएगा तुम्हें डेली। तो भाई अभी सिमियन ने हमारे लिए भेजी है CBR 1000 RR, और भाई हमने एजेंट 47 से भी कह दिया है कि भाई हम जॉब वापस से ज्वाइन कर रहे हैं और अब हम डेली एक नई बाइक लेके आने वाले हैं। और एजेंट 47 ने भी कह दिया कि ठीक है भाई, मुझे भी तुम्हारे जैसी बंदों की बहुत ज़्यादा जरूरत है अपने यहाँ पे, और अगर ऐसे सब चलता रहा तो तुम्हें बहुत जल्दी प्रमोशन भी मिल जाएगा। भाई लोग अब तुम देख लो इस बाइक को सिनेमैटिक्स में, और भाई ये जो बाइक है ना KTM से तो काफ़ी तेज है, मतलब एकदम से झुक करके एक्सीलरेट होती है, लेकिन क्या है भाई इसके कंट्रोल्स इतने अच्छे नहीं है, मतलब एकदम से ऐसे आगे भागी चली जाती है ब्रेक मारते मारते भी, और मोड़ने में भी दिक्कत होती है इसे, मतलब ऐसे बहुत बड़ी रेडियस लेके मुड़ती है। KTM क्या है भाई एकदम तुम कह सकते हो नॉर्मल है, उसमें कंट्रोल भी एकदम नॉर्मल है और चलाने भी मतलब स्पीड जो है वो भी नॉर्मल ही तेज है ना, लेकिन इसमें क्या भाई स्पीड तो बहुत तेज है, एकदम से झुक करके एक्सीलरेट होती है, लेकिन कंट्रोल भाई इसका बहुत मुश्किल है, मतलब ये क्या कहते हैं रुक के नहीं देती भाई, आगे सामने जाके भिड़ी जाती है और मुड़ती भी नहीं है ढंग से। कैसे लेके चलते हैं अपने जॉब पे, और भाई लोग एक बार यार इस बाइक की अपहिल परफॉर्मेंस देखो भाई, ये मतलब बहुत ऊंचा पहाड़ है और इसके ऊपर भी 40-50 किलोमीटर पर आवर आराम से जा रही है, कहीं कहीं जहाँ हल्का सा फ्लैट है वहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जा रही है। और भाई मतलब ये इतना ऊंचा पहाड़ है ना कि अगर हम इससे बिना एक्सीलेटर दिए नीचे लाएँ तो भी इसकी स्पीड जो है बाइक की आराम से 180 पहुँच जाती है, और इसके ऊपर अपहिल भाई इतनी तगड़ी स्पीड दे रही है, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल है। और भाई जो ज़्यादा ऊपर का पहाड़ है इस पर भी सिर्फ इसलिए चढ़ पा रही क्योंकि ये स्लिप हो रही है बाइक पीछे की तरफ, और इस पर मतलब होल्ड नहीं कर पा रही क्योंकि एकदम बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा है, मतलब इतना भी एकदम 90 डिग्री नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है ये पहाड़ इसलिए इस पर चढ़ पा रही। और भाई अगर बात करो तो इसकी टॉप स्पीड की, तो इसकी टॉप स्पीड है 267 किलोमीटर पर आवर, जो कि इसे 2 घंटे तक एक स्ट्रेट रोड में भगाने में मिलती है, क्योंकि अगर ये बीच में कहीं भी किसी चीज़ से हल्की सी भिड़ी या हल्की सी मुड़ी तो वो स्पीड एकदम कम हो जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे काफ़ी देर तक एक स्ट्रेट रोड पे भगा लेते हो तो इसकी टॉप स्पीड तुम्हें 267 किलोमीटर पर आवर पहुँच जाती है। और भाई अभी हमें कॉन्टैक्ट मिला है एक हिटमैन का, इस बंदे की भाई अभी हमें डिस्टेंस मिल रहा था कि कितनी दूर है हमारे से, और हमें इसे उससे ट्रैक करना था। तो भाई ये जो बंदा सफ़ेद कोट में जा रहा है ना डॉक्टर के कपड़े पहन के, ये है वो बंदा, और शेख ने जो है लॉस सैंटोस से अपने हिटमैन भी भेज दिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे ठोके जा रहे हैं शेख के हिटमैनों के द्वारा, तो इसने अपने हिटमैन भी भेज दिए कुछ जिससे कि वो मतलब चीज़ को बराबर कर सकें। लेकिन अभी हमें उसी एक हिटमैन का कॉन्टैक्ट मिला है, और भाई अभी डॉक्टर बन रखा है, क्या पता किसी को हॉस्पिटल के अंदर ठोकना हो इसे इस तरह कोई कॉन्टैक्ट हो, तो हम क्या करते हैं इसे इससे पहले ये कुछ कांड करें हम इसी के साथ कांड कर देते हैं। ठीक है और भाई ये ले, दिस इज कॉल्ड रियल हिटमैन। और भाई अपनी सीवा तो है ही एकदम फास्ट, तो भाग जाते हैं। और भाई जो पीछे बंदे इसके चल रहे थे ना नॉर्मल कपड़ों में सिविल यूनिफॉर्म में, वही भाई इसके बॉडीगार्ड थे, वो एक ने से बॉडीगार्ड देखे थे
जिससे कि कोई इसे ठोक ना दे। वो इसके पीछे ऐसे घूम रहे थे नॉर्मल बंदों की तरह, लेकिन थे इसके बॉडीगार्ड्स। और भाई अभी हमें कॉन्टैक्ट मिला है एक मूवी स्टार का, ये भाई काफ़ी फेमस मूवी स्टार है और शेख ने इसे अपने साथ ले लिया है जिससे कि ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। और भाई अभी क्या है, हम उसके पीछे वाले घर में आए हैं, पीछे नहीं मतलब थोड़ा साइड्स में गए घर, लेकिन इस घर के पीछे कूद के हमें उसके घर के पीछे जो स्विमिंग पूल और एकदम चिलिंग वाला एरिया है उस जगह का एक्सेस मिल जाएगा। वो है भाई सामने, और वहीं सामने वो है जिसे हमें ठोकना है। वो भाई उसे पता लग गया, उसने हमें देख लिया, इसलिए उसने भी हमारे पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन भाई इससे पहले वो हमें ठोके, हम इसे ठोक देते हैं, ठीक है। भाई असॉल्ट राइफल ले रखी थी इसने, क्योंकि शेख ने उसे पहले ही बता दिया था कि भाई तेरे ऊपर खतरा हो सकता है। इसके गार्ड्स वगैरह तो बाहर थे, ये इसका मतलब पर्सनल टाइम था, इसलिए हमें ये इतनी आसानी से मिल गई। और हमें साइड वाले घर से जाना पड़ेगा वापसी, क्योंकि यहाँ पे इसे जाली लगा रखे हैं जिससे कोई अंदर आ ना सके और इसे ठोक ठाक ना सके। लेकिन भाई हमने फिर भी कांड कर दिया। और भाई अभी हमें एक साइबर क्रिमिनल का पीछा करना है, और हमें क्या है उसका डिस्टेंस ही मिल रहा है, क्योंकि उसने अपनी लोकेशन तो एकदम हाइड कर रखी है हमारे से, लेकिन हम उसके सिग्नल को ट्रेस करके उसका डिस्टेंस ढूंढ पा रहे हैं। और उससे हमने इसे ट्रैक करके भाई ये इस लाल गाड़ी में है और ठोक डाला, ठीक है। अब भाई निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी अपनी बहुत ज़्यादा तेज है ही बाइक, तो दिक्कत कुछ होने नहीं वाली। तो भाई लोग आज हमारे लिए सिमियन ने भेजी है BMW S1000RR। और भाई वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट बाइक भी है, लेकिन इसकी सबसे तगड़ी बात है इसका ABS, मतलब ये ऐसी है कि एक तरह से हम इसके ऊपर बैठे हैं ना तो हम गिर नहीं सकते, ना ही कहीं ठुक सकते अगर हम थोड़ा सही से चलाएं तो। मतलब ऐसा नहीं कि भाई फुल एक्सेलेरेटर दे रखा है, सामने दीवार में बढ़ा दी तो ठुकने के, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ला नहीं है ये। मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे CBR थी अपनी, वो क्या है भाई रगड़ा खाते हुए जाई थी बहुत दूर तक, हम ब्रेक भी मार रहे थे भाई फिर भी रगड़ा खाते हुए जाई थी काफ़ी दूर तक। इसमें ऐसा नहीं है भाई, ये तो रगड़ा नहीं खाती एक तो, एक अगर हमने भाई से स्टीप टर्न पे एकदम से मोड़ दिया ऐसा अगर जूप करके तो भी क्या होगा, ये आराम से मुड़ जाएगी, मतलब ऐसा रपटने की नहीं। और व्हीली स्टॉपी ये सब भी इसमें काफ़ी सही तरीके से लग जाती है सेफली, मतलब गिरने की नहीं, हम इसमें से व्हीली स्टॉपी मारते हुए कंट्रोल्ड लगेंगी तो सारी चीज़। और इसकी टॉप स्पीड मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं है, एकदम से झूक करके नहीं भागती, एक्सीलरेट नहीं करती। अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो CBR कंपैरिजन में इसे लेके भागना ज़्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि भाई CBR में क्या है एकदम से झूक करके स्पीड तो बढ़ जाती थी, इसलिए हम पीछे छोड़ देते थे बंदों को, लेकिन क्या है एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा रहता था भाई, कहीं पता पाया सामने जाके बढ़ी गए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमारे एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा कम संभावना है, तो इसलिए ये मानना धीरे धीरे एक्सीलरेट हो गया, इतनी भी धीरे भी एक्सीलरेट नहीं होती, ठीक है, तेज ठीक ठाक स्पीड से एक्सीलरेट हो जाती है, लेकिन फिर भी इससे हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, तो इसलिए प्रैक्टिकली ये ज़्यादा काम किया है। और अगर बात करें टॉप स्पीड की नंबर्स के टर्म में कि हाँ भाई गिनती में कितनी है, तो आराम से 220 पहुंच जाएगी, लेकिन काफ़ी देर तक भगाना पड़ेगा। तो भाई अभी आए हुए हैं हम एक ड्रग डीलर के पीछे, और भाई सामने है वो बंदा, उसके कई सारे बंदे हैं गाड़ी वाड़ी दगा खड़े हैं वहाँ मस्त, मुझे जगता है हमारे आने का पता लग गया, लेकिन भाई हम भी कम तैयारी के साथ नहीं है भाई, निकाल के होमिंग लॉन्च है और दे मारते हैं, ये मारा भाई वहाँ गई है शायद उसकी गाड़ी, वहाँ और मारते हैं देखे, और वो क्या कहते हैं उस बंदे की गाड़ी नहीं थी शायद, फट तो गया वहाँ जाकर उसकी गाड़ी में, लेकिन वो दूसरा बंदा गाड़ी लेके भागा था शायद। तो अभी क्या कहते हैं आगे चलते हैं भाई, धुआं धुआं हो गया पूरे इलाके में, उस बंदे के जो लोग हैं वो गोली चला रहे हैं, लेकिन हमें लग नहीं रही क्योंकि भाई उन्हें पता ही नहीं लगा कहाँ चलानी, बस इधर उधर चलाए जा रहे हैं। वो भाई ये बंदा भी बच रखा है, तो इसलिए हमने एक RPG तो यहाँ मारा, लेकिन ये फिर भी नहीं मरा, इतना ढहटा है ना भाई बता नहीं सकता, लेकिन ये दूसरे में तो मर ही गया। ये भाई गाड़ी भी आगे फटके पड़ी यहाँ इधर, लेकिन अब भागते हैं इसके बंदे भाई इधर उधर, किधर भी गोली चलाए जा रहे हैं क्योंकि पूरा इलाका भाई एकदम धुआं धुआं हो गया, ठीक है। तो इन्हें पता ही लग रहा कहाँ गोली चलानी कहाँ नहीं, अध्ययन एक दूसरे को ही मार रहे होंगे। और भाई अभी आए हुए हैं हम एक आतंकवादी के पीछे, और भाई ये एयरपोर्ट वाला इलाका है, और ये आतंकवादी जो है यहाँ पे एक अमीर बंदा बन के आया हुआ है VIP टाइप, तो हम क्या भाई इसे ठोक देते हैं। ओ भैया, अबे ये क्या था भाई, हमने भाई दो चार गोली मारी होंगी इस बंदे की गाड़ी पे, क्या भाई बम फर के घूम रहा था कि अपनी गाड़ी में करने के वाला था लॉस सैंटोस के अंदर, मतलब यार दो चार गोली खाली मारी होंगी हमने इसकी गाड़ी पे, भाई पूरी गाड़ी फट गई इसकी। ओ भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब भाई सुसाइड बॉम्बर था क्या था यार, दो चार गोली लगती भाई पूरी गाड़ी फट गई इस बंदे की, पता नहीं क्या करने वाला था इतने सारे बम के साथ, पिछले वाले बंदे को हमने फोड़ा था बम से, ये खुद ही अपनी गाड़ी बम लगाए घूम रहा है। और भाई अब आए हैं हम एक आर्मी वाले बंदे के पीछे, वो बंदा दुबई आर्मी के लिए काम करता है और उसे US आर्मी की सिक्योरिटी मिली हुई है, और भाई हमने उसकी गाड़ी पे लगा के बम फोड़ दिया, और यार ये क्या मैं से गलती से निकलने का ही बटन दब गया, वो भाई ये तो गड़बड़ हो गई, और फटाफट लेके भाई को भागता हूँ। भाई वो बंदे पीछे गोली वोली चला रहे हैं, लेकिन वो हमें पकड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास ट्रक है, और भाई वो ट्रक से क्या कहते हैं हमें नहीं पकड़वाने का, काफ़ी फास्ट बाइक है हमारे पास। और भाई हमने उसे बंदे को ठोक दिया, इससे पहले वो
यूएस गवर्नमेंट के साथ में कोई तगड़ी सी डील साइन करता, सिक्योरिटी से मिल गई थी यूएस की, लेकिन हमने भाई उसकी गाड़ी फोड़ दी। तो भाई अभी रात हो गई हमें ईट करते करते, और चलते हैं फटाफट अपने होटल। भाई रात को तो अपना होटल काफ़ी सही लगता है, मतलब यार लाइट वाइट देखो यार, दिन से भी ज़्यादा चांद आए यहाँ पे रात के टाइम पे अंदर। यहाँ देखो भाई बालकनी में क्या मस्त नज़ारा है, मतलब बाहर एकदम काला अंधेरा, यहाँ एकदम चांद नहीं चांदना, काफ़ी सही है यार होटल। खैर अभी सोते हैं, कल सुबह और ही ट्वीट करने भी जाना है। तो भाई लोग अभी हम उठे हैं और अभी हमारे पास लामा का फ़ोन आया था, उसने कहा था कि बॉस से मिलते हुए जाना और तुम बॉस को देख के एकदम खुश हो जाओगे। तो देखते हैं कौन है भाई उसका बॉस, चलते हैं उससे मिलने। ओ भाई तो इसका बॉस फ्रैंकलिन है। तो भाई भी हमारी फ्रैंकलिन से बात हुई है, हमने इससे पूछा कि भाई तुम यहाँ कैसे, तो इसने कहा कि मैं यहाँ पे बॉस हूँ इस होटल का। और इसने हमें ये भी बताया कि सबसे अलग होने के बाद ये दूसरे देश चला गया था और इसने होटल का धंधा चालू कर दिया था, लेकिन इसके होटल पर क्या है ड्रग्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती थी, तो इसे इसने ड्रग्स का भी धंधा चालू कर दिया और उस सारे पैसे से इसने और होटल्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जो इसका धंधा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो इसने सोचा क्यों ना लॉस सैंटोस से भी अपना बिजनेस एक्सपेंड किया जाए, लेकिन ये क्या है लॉस सैंटोस में आ सकता था, तो इसलिए इसने क्या करा लामार को एक प्रॉक्सी की तरह यूज़ करा। इसने भाई लामार को अपनी कंपनी का जनरल मैनेजर बनाया और उससे कहा कि भाई मेरा जो होटल का बिजनेस है उसे तुम मैनेज करो लॉस सैंटोस के अंदर। लेकिन इसे क्या है फिर उन सब होटल्स में ड्रग्स सप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगी भाई, छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स में ड्रग्स पहुँचाने में डिमांड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आती थी। तो इसने क्या करा एक होटल बनवाया जो कि बहुत दूर हो सड़क से, एकदम पहाड़ के ऊपर, और साथ ही साथ जो उसकी पार्किंग हो जहाँ तक सड़क आए भी वो भी मेन होटल से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, और सड़क भी ऐसी नहीं कि मतलब मेन सड़क से ऐसी अंदर थोड़ा सा पार्किंग, नहीं हाईवे से काफ़ी अंदर तक एक रोड आए सेपरेट और उसके अंदर पार्किंग हो, और उस पार्किंग से भी काफ़ी दूर होटल हो एक्चुअल होटल। उस होटल के बारे में कुछ इसके जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी जान पहचान वाले बंदे हैं एकदम उन्हें ही पता हो। और इसने बताया कि इसने हमें भी इसलिए आने दिया क्योंकि इसके बॉस ने कहा था, तो हमने कहा कि भाई तुम्हारा भी बॉस है इतने पैसे कमा के फ़ायदा ही क्या जब तुम्हारा भी कोई बॉस हो। तो इसने कहा कि सबका होता है, तो हमने कहा कि माइकल और ट्रेवर का तो नहीं है, तो इसने कहा कि बॉस होता सबका है बस किसी का दिखता है किसी का नहीं। तो भाई पता नहीं उनका भी क्या सीन है भाई बॉस बॉस का, अभी तक तो हमें उनके बॉस के बारे में कुछ पता नहीं, ना माइकल के बॉस के बारे में ना ट्रेवर के बॉस के बारे में, और हमें भाई ये भी नहीं पता कि इसका बॉस भी कितना पावरफुल बंदा होगा। और भाई बात करें अभी की, तो अभी हम फ्रैंकलिन के एक काम से आए हुए हैं, और भाई जो गाड़ी है इसके पैसे ही फ्रैंकलिन ने दिए हैं, ब्लैक कलर की ऑडी R8। इसके अंदर भाई डुअल टर्बोचार्ज V10 इंजन है जो कि इसके मिड में रखा हुआ है, साथ ही साथ डुअल क्लच सिस्टम और ऑल व्हील ड्राइव जो कि इसे एक बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट्स कार बनाता है। इसका बस डिज़ाइन थोड़ा सा स्पोर्ट्स कार वाला है, नहीं तो भाई जितनी भी इसके अंदर चीज़ें हैं सारी सारी भाई सुपर कार वाली हैं, और बहुत ज़्यादा फास्ट है एकदम सुपर कार की तरह, बस थोड़ा सा डिज़ाइन स्पोर्ट्स कार की तरह है, ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी ऊपर है एक स्पोर्ट्स कार की तरह, तो इसलिए एक स्पोर्ट्स कार है, तो मतलब एक कह सकते हो कि स्पोर्ट्स कार सुपर कार के बीच की चीज़ है, तो काफ़ी बढ़िया कार है ये, और फ्रैंकलिन ने दिया है अभी के लिए इसके पैसे। तो उसने हमारे से कहा कि शेख का बहुत बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट लॉस सैंटोस में आ रहा है, उसके साथ सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो इसलिए इसे ले जाओ, और तुम्हें क्या है उस कंसाइनमेंट को चुरा के निकलने से पहले इस गाड़ी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो इसीलिए इस गाड़ी के पीछे एक स्टिकी बॉम्ब भी लग रखा है जो कि भाई बटन दबाते ही बूम फट जाएगा और भाई गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फ्रैंकलिन ने हमें ये भी बताया कि इसका प्लान ये है कि ये क्या करेंगे, शेख के जितने भी ड्रग्स के कंसाइनमेंट हैं या तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर उन्हें चुरा लेंगे, जो मतलब बहुत बड़े कंसाइनमेंट्स हैं उन्हें चुरा लेंगे, जैसे छोटे मोटे से कंसाइनमेंट्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, और फिर ये लोग क्या करेंगे अपनी भी ड्रग्स की सप्लाई काट देंगे लॉस सैंटोस में, जिससे क्या होगा ड्रग्स के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एकदम से, और फिर ये क्या है ये लोग अपने पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक रखेंगे ड्रग्स का। उसके बाद ये क्या करेंगे अपने किसी बंदे से बोल के शेख को जो ड्रग्स इन्होंने इकट्ठी कर रखी है उसी का एक छोटा सा हिस्सा बिकवा देंगे काफ़ी ज़्यादा महंगे प्राइस पे, और जैसे शेख वो सारी ड्रग्स खरीदेगा ऐसे ये लोग क्या करेंगे अपनी ड्रग्स की सप्लाई एकदम खोल देंगे और एकदम सस्ती में बेचनी शुरू करेंगे ड्रग्स, जिससे कि प्राइस एकदम गिर जाएंगे। और साथ ही साथ में ये लोग इनके कुछ जो जानने वाले बंदे पुलिस में हैं उनसे कह के शेख के ड्रग डीलर्स के पीछे उन्हें लगा देंगे, जिससे कि ड्रग्स सस्ती होने के बाद भी शेख उसे बेच नहीं पाएगा। इस कारण वो क्या करेगा ड्रग्स के पास अपनी सिक्योरिटी कम कर देगा। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे उस जगह पे हमला करेंगे जहाँ पे सारे का सारा स्टॉक रखा होगा, और वहाँ से जितनी ड्रग्स इनसे चुराई जाएगी उतनी चुराएंगे बाकी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इस सब से शेख को करीब करीब 1.5 से 2 बिलियन का नुकसान होगा, $1.5 से 2 बिलियन का। तो इस तरह का भाई इसका कुछ प्लान है, और ये जो काम हम अभी कर रहे हैं उसके लिए हमें $5,00,000 कैश मिल जाएगा, जिसके पास हमारे पास नियर अबाउट $1,000,000 कैश में हो जाएंगे, और फिर हम ट्रैवल से बोल देंगे कि अभी हम अपना खर्चा अपने आप उठा सकते हैं, और मतलब हम उसके पैसे तो नहीं दे पाएंगे अभी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोन है उसका, लेकिन हम अपना खर्चा उठाने लायक तो हो ही जाएंगे क्योंकि $5,00,000 हमने हिट कर करके इकट्ठे कर लिए पहले से ही। ठीक है भाई लोग, तो ये जो सामने जा रही है ना गाड़ी,
ये सारी है उस कंसाइनमेंट को लेके, ये ट्रक में है असली कंसाइनमेंट, ये सारी की सारी गाड़ी भाई इतनी तकड़ी तकड़ी सुपर का ये सारी की सारी उसकी सिक्योरिटी में है। वो भाई आगे चल रही है गाड़ी, थोड़ी सी इनसे डिस्टेंस भी ला के रखते हैं भाई। सही है फ्रेंकलिन ने हमें ब्लैक कार दी, ये सारी भी गाड़ियाँ ब्लैक ही हैं तो हम इनमें थोड़ा सा ब्लेंड सा हो जाएंगे, हो सकता है इन्हें पता ना लगे। वैसे मुझे तो लगता है इन्हें पता नहीं लगेगा, लेकिन एक चांस है छोटा सा, क्या पता ना ही लगे, है ना भाई। कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। ठीक है भाई, लोग तो इनके पास से बोम लगाते हुए निकलते हैं, और ये बंदा बाहर आ गया था चेक करने। अभी एक सारी गाड़ी, सारी गाड़ी जो है ट्रैफिक में रुकी हुई है, और ये चिपका दिया भाई बॉम्ब इसके बाजू में से, इन्हें पता नहीं लगा होगा अभी। ठीक है, इस पे चिपकाते हैं, वो भाई आगे वाली गाड़ी पे चिपका देते हैं भागते भागते। भाई बुकाटी लेके आए हुए यहाँ पे बंदे, ये बुकाटी थी। ओ भाई ये भी एक फरारी है, ये F1 कार है भाई। बड़ी फास्ट फास्ट कार भेज रखी है शेख ने, क्योंकि हम भाई फास्ट सी बाइक लेकर ठोके भाग जाते हैं और हमारी ज़्यादा खौफ है शहर के अंदर, तो इसे शेख ने भाई एकदम फास्ट फास्ट कार भेज रखी है, और ट्रक की एकदम आगे पीछे इसकी सिक्योरिटी के लिए SUVs भेज रखी हैं, जो कि भाई इसका मतलब अगर कोई मार के भागेगा तो ये फास्ट कार पकड़ लेंगी, नहीं तो ट्रक की सिक्योरिटी के लिए SUV भेज रखी हैं। तो और भाई ट्रक भी पूरा का पूरा आर्मर्ड है, बुलेट प्रूफ, कोई भाई बम मारे गोली मारे कुछ नहीं होने का ऐसे जल्दी से। और भाई अभी गाड़ी फोड़ने से पहले हम निकल जाते हैं गाड़ी से, नहीं तो भाई ये जब फटेंगी तो ओ भाई क्या फटी है, ओ भैया धुआं धुआं हो गया भाई सारे में। और भाई गाड़ियाँ फोड़ने से पहले हम इसलिए कूद गए थे फटाफट, जिससे कि जब ये गाड़ी फटे तो हम ना फट जाएं साथ, क्योंकि हमारी गाड़ी पे भी सेम बॉम्ब लग रखा था, जिस बटन से ये गाड़ियाँ फटती उसी गाड़ी से हमारी गाड़ी फट जाती उसी बटन से, तो इसे हम कूद गए एकदम। खैर अभी भाई फटाफट लेके निकलते हैं ट्रक को, इससे पहले भाई कोई सेक की सिक्योरिटी विक्योरिटी और आए हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर कोई, हम भाई निकल जाते हैं कंसाइनमेंट लेके। ठीक है भाई, हमने सारी की सारी ट्रक जो है डिलीवर कर दिया फ्रैंकलिन को, और उसने हमें पैसे भी दे दिए हैं, और अभी हमारे पास $1 million हो चुके हैं इन कैश टोटल। और ट्रैवल से भी हमने कह दिया है कि अभी तो हमारे पास हिसाब किताब नहीं है इतना कि हम थे पैसे वैसे दे दें, लेकिन हाँ हम अपना खर्चा तो अभी अपने आप उठा ही सकते हैं एटलीस्ट, और जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम तेरा लोन भी दे देंगे। उसने भी कह दिया ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, जब भी तुम्हारा हिसाब किताब हो लोन दे देना। और भाई हमने फ्रैंकलिन से ये पूछा कि तुमने हमारे से काम करवाया क्यों, तुम खुद भी तो किससे करवा सकते थे। तो उसने कहा कि भाई मैं शेख के सामने नहीं आना चाहता था, मैं चाहता था कि शेख को ये लगे कि तुमने अपने बदले के लिए कराया काम, और इसीलिए मैंने कहा था कि अपनी एजेंट वाली यूनिफॉर्म मत पहन के जाना, जिससे कि जब उसके बंदे उसे रिपोर्ट करें कि किसने करा तो उसका शक सिर्फ तुम्हारे ऊपर जाए मेरे ऊपर ना जाए, जिससे कि मैं उसे बाद में आसानी से ड्रग्स बेच पाऊँ। इनडायरेक्टली सही, लेकिन अगर उसे मेरे ऊपर शक हो गया कि मैंने उसके साथ कुछ गड़बड़ की है तो वो मेरे से किसी भी हाथ में ड्रग्स लेगा, चाहे मैं डायरेक्टली बेचने की कोशिश क्यों ना करूँ। फिर हमने पूछा है किसी ने हमारे पास शूट वगैरह क्यों नहीं करा, हमारे पास शक क्यों नहीं करा जब हम उनकी गाड़ी में बम चिपकाए थे। तो उसने कहा कि ये जो ब्लैक कलर की ऑडी आए थे, जो सारी सिक्योरिटी आई थी ड्रग्स के साथ, वो तो दुबई से आई थी डायरेक्ट, ये ट्रक भी कार्गो प्लेन में लोड होकर आया था, लेकिन जो ये गाड़ी थी ये एक गाइड कार थी जो कि लॉस सैंटोस में थी, और एक लॉस सैंटोस में जो शेख का बंदा था वो इसे पूरे कंसाइनमेंट को गाइड करके ले जाने वाला था इस कार के थ्रू, और इस वाली गाड़ी को जितनी सिक्योरिटी गाड़ी थी उन सभी के ऊपर एक ट्रैकर चिपका था बिल्कुल इसी तरीके से, तो इसलिए उन लोगों को तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, उन्हें लगा कि तुम उन्हीं के बंदे हो, उनकी गाइड हो, और मैंने उनके गाइड को झुकवा के और वही कार चुरवा ली। फिर हमने पूछा कि भाई तुम्हारा मैटर क्या है शेख के साथ, तुम उसका इतना बड़ा 2 बिलियन मतलब अगर रुपए के हिसाब से देखें तो करीब करीब 16,585 करोड़ बैठता है। तुमने इससे पूछा कि भाई तुम उसका इतना बड़ा नुकसान करवाने क्यों चाह रहे हो, तो इसने कहा कि अभी सही टाइम नहीं आया, जब सही टाइम आएगा तो तुम्हें सब अपने आप पता लग जाएगा बिना पूछे। तो आज वाली वीडियो में बस इतना ही, पता नहीं मुझे तुम्हें इस वाली वीडियो में मजा आया नहीं आया, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी ठीक है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी, मेहनत पूरी की गई है मेरी साइड से कि तुम्हें मजा आए। तो अगर तुम्हें मजा आया हो तो भी, और अगर मेरी मेहनत करी तो एटलीस्ट लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, अच्छा लगता है ना, तो कर देना।